चैनल एबी रॉक्स टीम्स चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है यूनाइटेड वर्सेस यंग बॉयज़ के बीच 2 घंटे 32 मिनट के बाद। तो बात करूं 2 मिनट गाइज, मतलब ये इसकी जो टीम आएगी वो आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। और गाइज बता दूँ कि यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल फ्रॉम माई नेम। तो चलते हैं आगे, बात करूँगा मैं इस मैच की। सो आई वॉन्ट टू टेल कि यूनाइटेड टीम ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बार ये मैच हुआ था 15 सितंबर को, डेट नहीं याद मेरे को, उसमें यंग बॉयज़ ने इनको बीट कर दिया था, हरा दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 के स्कोर से, जो कि बहुत बड़ी बात है जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो भी है। तो मैं बात करूं गोलकीपर की, डी वॉन को लूंगा। द फर्स्ट प्लेयर वॉज डेविड वॉन बेलमूस, जो कि गाइज 14 सितंबर को फ्लॉप हो गया था पूरी तरीके से ये प्लेयर। एक्चुअली क्यों, क्योंकि डीडे गया जब खेल रहा था तो उल्टा इनके ऊपर, डीडे गया के ऊपर बहुत बोझ आ गया था एक्चुअली, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा लिटरली अच्छा खेलने लग गई थी हाफ टाइम के बाद। आगे से बात करूं मैग्योर की, देन यहाँ पर हैरी मैग्योर को लेने का डिसीजन मेरा गलत नहीं है, आई एम टेकिंग। सो मतलब मैग्योर एक मेन प्लेयर है जबकि ल्यूक शो काफ़ी दिनों से खेल नहीं रहा है। एंड एलेक्स टेलिस की बात करूँ, देन एलेक्स टेलिस ने विलेरल के खिलाफ यहाँ तक गोल भी किया था, 36% सिलेक्टेड प्लेयर ने जब गोल किया था, तो आप मेरे दिल से पूछो कितना अच्छा लगा होगा कि हमारी टीम में था। एंड आगे से बात करें ए वन बिसाका की, देन आई वॉज टेकिंग एरन वन बिसाका। देखो बिसाका भी ले लिया हमने, एलेक्स टेलिस भी ले लिया, यहाँ पे बचता है लिंडलॉफ। तो यहाँ पर मैं लिंडलॉफ को नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसको कॉन्टीन्यूसली प्रीमियर लीग में ट्राई करता आ रहा हूँ और ये मेरी हार का कारण बन रहा है, तो मैंने उसकी जगह एम कमारा लिया है। तो देखते हैं सो व्हाट ही कैन डू, क्या कर सकता है प्लेयर। एंड आगे से बात करें ब्रूनो फर्नांडिस की, देन ब्रूनो फर्नांडिस जो कि बेचारा बहुत ट्राई की थी इसने यंग बॉयज़ के खिलाफ अच्छा करने की, बट इसने असिस्ट भी किया, बट वो क्या हुआ कि सामने वाली टीम लास्ट मिनट में गोल कर गई और उसमें गोल करने का कारण और जिसने किया था वो था मॉमी। देन ये प्लेयर गोल कर गया था, तो पिछले मैच के अंदर इसने एक गोल किया था, 2 गोल करने लगा था, दूसरा गोल मिस हो गया था इसका। एंड नेचो की बात करूं, जेडन नेचो ने अपने गोल का खाता खोला इस मैच से 23 नवंबर के मैच में चैंपियंस लीग में विलेरल के खिलाफ। आई थिंक जे सैंचो जैसा लिटरली जो ये पहले प्लेयर बंडसलीगा लीग में जब खेलता था ना, तो एक खौफ होता था कि हाँ ये प्लेयर आ गया, मतलब इतना ज़्यादा बेस्ट है। एंड आगे से बात करूं मार्टिन्स की, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्टिन्स को ले रहा हूँ। क्रिस्टोफर मार्टिन्स को ट्राई करो सिर्फ, मैं आपको ये नहीं कह रहा क्योंकि यार ट्राई इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ विदाउट कुछ करे इस ने इतने अच्छे पॉइंट्स दे दिए थे, तो वो चीज़ अभी तक जहन में घूमती है। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लूंगा। क्रिस्टियानो ने यंग बॉयज़ के खिलाफ गोल भी किया था बट चला नहीं, मतलब गोल का फ़ायदा नहीं हुआ, जीत नहीं हो पाई, बट इसने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर जॉर्डन, जॉर्डन एक्चुअली पेनल्टी टेकर है, डब्ल्यू कांगा भी खेल सकता है, बट विलफ्रेड कांगा को मैं आपको लेने की राय नहीं दूंगा। आई वॉन्ट टू टेल कि यहाँ पर मार्शल भी था, तो मार्शल का भी वेल परफॉर्म रहा नहीं पिछले मैच में, सो आई एम टेकिंग दिस प्लेयर। एंड आगे से बात करूँ कैप्टन की, क्रिस्टियानो मेरा कैप्टन है, रोनाल्डो जो कि और वाइस कैप्टन है ब्रूनो फर्नांडिस। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।